हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। दोस्तों, आपके लिए फिर से हाजिर हूं एक और नया वीडियो लेके, और आज हम बात करने वाले हैं अर्टिका के सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट सीएनजी के अंदर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्टिका के सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो सीएनजी के अंदर आपको अवेलेबल होता है, और ये वेरिएंट आपको क्यों लेना चाहिए और क्यों इसके अंदर क्या खास बातें हैं, वो पूरा डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि सिर्फ 2% लोग ही वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा फील होता है। बाकी आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी एक बार अगर कमेंट करके बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस कार के एक्स शोरूम प्राइस के साथ में। तो इस कार का एक्स शोरूम प्राइस अवेलेबल होता है 11,87,000 रुपये, और ये इसका ZXI CNG वेरिएंट है, और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये इसका मिडनाइट ब्लैक कलर है। जी हाँ दोस्तों, अब अर्टिका के कुछ वेरिएंट के अंदर आपको ब्लैक कलर अवेलेबल होता है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस किस वेरिएंट के अंदर आप ये ब्लैक कलर ले सकते हैं। तो 11,83,000 रुपये इस कार का एक शोरूम प्राइस अवेलेबल होता है गाज़ियाबाद दिल्ली के लिए। और चाबी की अगर बात करें तो चाबी इसकी मिलती है आपको काफ़ी स्टाइलिश सी की देखने के लिए, जिसके अंदर आपको सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो गाड़ी को आप इजीली लॉक और अनलॉक इस कार के साथ चाबी के साथ में कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर चाबी की बात करें तो नॉर्मल इस चाबी को अगर आप बटन को 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं दोनों बटन को, तो आप अगर पार्किंग में अपनी गाड़ी को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस दोनों बटन को दबाने के बाद गाड़ी को इजीली एक्सेस कर पाते हैं और पार्किंग वगैरह में या अंधेरे वगैरह में आराम से ढूंढ पाते हैं। बाकी दोस्तों, बात करते हैं इसके कार के फ्रंट के प्रोफाइल के बारे में। तो फ्रंट का प्रोफाइल काफ़ी स्टाइलिश इस कार का नज़र आता है, क्योंकि इसका जो बम्पर डिज़ाइन, बोनट डिज़ाइन है वो काफ़ी स्टाइलिश रखा गया है। बोनट की अगर मैं बात करूं तो करेक्टर लाइंस काफ़ी बेहतरीन और क्लीन नज़र आती हैं। वहीं अगर इसकी ग्रिल की अगर बात कर लें तो काफ़ी वाइल्ड क्रोम ग्रिल आपको मिलती है, जिसमें बीच में सुजुकी का लोगो आपको नज़र आता है। वहीं सुजुकी के लोगों की जो क्रोम की ग्रिल है वो काफ़ी डिसेंट आपको नज़र आती है। नीचे की तरफ आपको क्रोम का काम देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लुक कार की लुक को फ्रंट प्रोफाइल में देता है। वहीं हेडलाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलाइट अवेलेबल होती है, जिसमें आपको हेलोजन की शेप में इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाता है। वहीं दोस्तों, नीचे की तरफ आते हैं तो फॉग लाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉग लाइट की हाउसिंग। हालांकि फॉग लाइट इस मॉडल के अंदर अभी लगी हुई है, क्योंकि ये एड ऑन की गई है एसएससीज के अंदर। यानी कि आप अर्टिका के ZXI वेरिएंट अगर लेते हैं तो यहाँ पर आपको फॉग लाइट देखने के लिए नहीं मिलती, बट आप किसी भी वेरिएंट के अंदर इस फॉग लाइट को एड ऑन करा सकते हैं कभी भी। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको CNG का स्टिकर देख सकते हैं, यहाँ पर नज़र आ जाता है। ऊपर की तरफ एक एंटीना आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिल जाता है आपको देखने के लिए। तो दोस्तों, फ्रंट प्रोफाइल से ये कार आपको कैसी नज़र आती है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो पर्सनली ब्लैक कलर में ये कार बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, और आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी दोस्तों, बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के साथ में। तो दोस्तों, बात करते हैं साइड प्रोफाइल के साथ में। तो साइड प्रोफाइल से ये कार काफ़ी डिज़ाइनिंग शेप के साथ नज़र आती है, और गाड़ी की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी आपको नज़र आती है, और गाड़ी का जो एरोडायनेमिक शेप है वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आता है, जिसकी वजह से गाड़ी फ्यूल एफिशिएंस भी ज़्यादा होती है। अब साइड प्रोफाइल में अगर बात करें तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी इसके टायर साइज़ पर। तो यहाँ पर 15 इंच के अलॉय व्हील आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जो मशीन कट अलॉय व्हील ब्लैक एंड सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में नज़र आते हैं, और कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ जो टायर की डायमेंशन है वो पूरे यूनिक तरीके से आपको मिलती है डिज़ाइन, जिसकी वजह से गाड़ी की जो ग्रिपिंग है, रोड ग्रिपिंग, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको मिलती है, और स्टेबिलिटी भी ये कार प्रोवाइड करती है। ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर की अगर बात कर ले तो ए पिलर, बी पिलर आपको मिलते हैं ब्लैक टेप आउट, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ए पिलर और बी पिलर आपको मिलते हैं सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ में। सी पिलर पे हल्का सा ब्लैक टेप आउट कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, और पीछे वाला जो ग्लास है वो भी आपको मिलता है ओपन और ब्लैक टेप आउट के साथ में। वहीं दोस्तों, बात करेंगे आउटसाइड मिरर की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल आउटसाइड मिरर मिलते हैं, जिसपे आपको LED इंडिकेटर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दोस्तों, क्रोम के डोर हैंडल्स आपको नज़र आते हैं, आप जो हैंडल देख रहे हैं वो क्रोम की फिनिशिंग के साथ आपको मैन्युफैक्चरिंग फिटमेंट के साथ ही अवेलेबल होते हैं। साथ में यहाँ पर डोर पे एक रिक्वेस्ट सेंसर बटन आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से आप गाड़ी के अंदर इन एंड आउट बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बात करेंगे इसके रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल से भी ये कार काफ़ी बेहतरीन आपको नज़र आती है। बात करेंगे इसके रियर प्रोफाइल में मिलने वाली इसकी रियर लाइट्स कॉम्बिनेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब की शेप ही मिलती है, बट जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी डिसेंट आपको फील कराता है। तो देख सकते हैं रियर प्रोफाइल से कार कुछ इस तरीके से आपको नज़र आती है। सबसे पहले बात करेंगे ऊपर की तरफ मिलने वाले इसके हाई स्टॉप माउंट लाइट के बारे में, जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं रिवर्स करते टाइम या रात के समय में जब आप कार को ड्राइव करते हैं।
बाकी दोस्तों डिफोगर वाइपर वॉशर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है ZXI वेरिएंट के अंदर, साथ में CNG का स्टिकर पीछे की तरफ आप देख सकते हैं। क्रोम की बूट आपको नजर आती है बूट गेट पर, जो क्रोम की फिनिशिंग है वो आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी लाइनिंग आपको मिल जाती है यहाँ पर देखने के लिए। उसके अलावा सुजुकी का यहाँ पर बीच में आपको लोगो नजर आता है, साथ में बात करें तो यहाँ पर अर्टिगा की बैजिंग आपको नजर आ जाती है। बाकी दोस्तों पीछे वाले बम्पर की अगर बात करें तो दो रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर बम्पर में देखने के लिए मिल जाते हैं, 4 आई पार्किंग सेंसर ताकि आप जब रिवर्स करें तो गाड़ी आपका वाइल्ड एरिया कवर कर सके और ज़्यादा बड़ी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर सके रिवर्स करते टाइम। और इसके अलावा गाड़ी का बूट स्पेस आपको एक्सेस करके दिखाते हैं। सबसे पहले करते हैं गाड़ी को अनलॉक। दोस्तों अनलॉक करने से पहले आपको गाड़ी को दो बार अनलॉक करना पड़ेगा, क्योंकि इन कार्स के अंदर कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ आप दो बार जब अनलॉक करते हैं तभी आप गाड़ी की बूट गेट को एक्सेस कर पाते हैं। इसके अलावा CNG फिटमेंट का काफ़ी बेहतरीन सा आपको इस्तेमाल, यूनिक शेप आपको मिल जाता है, कवर्ड पूरा का पूरा मिलता है यहाँ पर आपको CNG का सिलेंडर। ये आप जो देख रहे हैं पूरा कवर है CNG का सिलेंडर, आपको मैं एक बार अनकवर्ड करके भी दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये CNG का सिलेंडर आपको इस तरीके से यहाँ पर मिलता है, जिसको पूरी तरीके से कवर किया है और काफ़ी अच्छे से आप कार के अंदर देख सकते हैं पूरा डिज़ाइन आपको मिलता है और आप अच्छे से यहाँ इसको फिट भी कर सकते हैं। रियर वाली सीट की अगर बात करें तो 50-50 फोल्डेबल है और रिक्लाइन ऑप्शन के साथ नज़र आती है। हेडरेस्ट आपको यहाँ पर हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल मिल जाता है, आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सीट फोल्ड कर सकते हैं आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, जब आपको ज़रूरत हो जितनी ज़रूरत हो आप उतने हिसाब से फोल्ड इसको कर सकते हैं। बाकी दोस्तों स्पेयर पार्ट्स को रखने के लिए यहाँ पर जगह दे दी गई है, आप यहाँ पर देखेंगे साइड में आप इसको स्लाइडिंग को हटाएंगे तो यहाँ पर जैक रोड पाना रखने के लिए पूरी तरीके से एक प्रॉपर जगह बनाई हुई है, ताकि गाड़ी जब आप चलाएं तो आपके जो स्पेयर पार्ट्स हैं जैसे आपका जैक रोड पाना वो आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी ना करें, तो आप यहाँ पर इसको ईजिली फिट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सीट फोल्ड करने के बाद आपको इतना स्पेस मिल जाता है, ज़्यादातर अमूमन जो नॉर्मल फैमिलीज हैं उनके अंदर 5 लोग सफ़र करते हैं और उनको बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर बूट स्पेस आप लाइन के हिसाब से या उसको एडजस्टेबिलिटी के हिसाब से यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इतना सारा लगभग 550 लीटर के आसपास का बूट स्पेस भी आपको मिल जाता है इस कार के अंदर जब आपको जरूरत पड़ती है। तो बाकी फोल्डेबल सीट्स हैं तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको फोल्ड कर सकते हैं। यहां पर आपको मिल जाता है एक कप होल्डर, दोनों तरफ कप होल्डर, आप बोतल होल्डर आप इसको बोल सकते हैं, एक बोतल होल्डर आपको यहां मिलता है, एक बोतल होल्डर आपको इस तरफ भी देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं पैसेंजर केबिन की तरफ, तो पैसेंजर केबिन में भी काफी सारा यूटिलिटी स्पेस। सबसे पहले बात करेंगे इसके दरवाजे के बारे में, तो दरवाजे पर जो ग्लास है वो काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर जो लाइटिंग है यानी कि जो रोशनी की विजिबिलिटी है वो ज़्यादा है और ज़्यादा बढ़िया चीज़ें आपको इस्तेमाल करने के लिए मिल जाती हैं, यानी कि जो रोशनी है वो पूरे गाड़ी के अंदर इन्वायरमेंट को बरकरार रखती है। बाकी दरवाजे की साइज़ की अगर बात करूँ तो काफ़ी बड़ा दरवाजा आपको मिलता है इस कार के अंदर, नीचे की तरफ बोतल होल्डर पेपर होल्डर स्पेस मिल जाता है आपको, नीचे स्पीकर लगा हुआ मिल जाता है, यहाँ पर क्रोम का डोर हैंडल आप देख सकते हैं, क्रोम का डोर हैंडल, प्लास्टिक ट्रिम आउट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके अलावा पावर विंडो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर ऑफर की जाती है। केबिन के अंदर हेडरूम की अगर बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक सा हेडरूम आपको इस कार के अंदर नजर आता है और हेडरेस्ट जो है वो हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल मिल जाते हैं, 60-40 ये वाली सीट आपको मिल जाती है, बाकी रियर वाली सीट आपको 50-50 फोल्डेबल मिल जाती है। बाकी उस साइड में आपको एक पार्किंग चार्जिंग का स्लॉट भी मिल जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे सी टाइप या आप अपना कोई भी चार्जर स्लॉट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हेडरेस्ट आपको यहाँ हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल मिलते हैं, आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है विदाउट कप होल्डर के साथ में, बट हाँ दोस्तों बोतल होल्डर आपको दोनों तरफ मिलता है तो कप होल्डर की रिक्वायरमेंट शायद आपको यहाँ पर फील भी ना हो। बाकी लेग रूम, थाई रूम और थाई सपोर्ट ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भरपूर है इस कार के अंदर और लेग रूम वगैरह भी काफ़ी डिसेंट आपको इस कार के अंदर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा ऑफर करती है। ऊपर की तरफ आपको AC वेंट नज़र आ जाता है, जो आपकी AC वेंट है जो पीछे वाले पैसेंजर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी हवा भी प्रोवाइड करता है। बाकी दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे छोटा मोटा यूटिलिटी स्पेस आपको मिल जाता है, चार्जिंग सॉकेट 12 वोल्ट का स्पेस मिल जाता है, नीचे मोबाइल वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है। बाकी जो मैट ये आप देख रहे हैं ये इसकी मारुति जेनवन एसएसएस की मैटिंग लगी है, 3D की मैटिंग है। क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इंप्रेसिव क्वालिटी आपको इसकी 3D मैट की मिलती है, आप इसको बहुत इजीली एक्सेस करके निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं और ये सबसे अच्छी बात है वॉशेबल भी है, आप इसको आराम से क्लीन भी कर सकते हैं, बाकी पानी से इसको कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। अब चलते हैं दोस्तों इंटीरियर में, पैसेंजर के बाद हम चलते हैं ड्राइवर केबिन के अंदर, तो ड्राइवर केबिन के अंदर क्या क्या खास है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी इसके दरवाजे पर, जो दरवाज़ा है वो काफ़ी
ऊपर अच्छे से ओपन होता है, बाकी उसके अलावा नीचे आपको छोटे मोटे यूटिलिटीज पे बोतल होल्डर वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टिश्यू बॉक्स आपको मिल जाता है जो ब्लैक कलर के डिजाइन के साथ में, जिसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी मारुति जेन्युइन एसएससीज के अंदर आपको अवेलेबल होता है। डिजाइन काफी बेहतरीन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा बात करेंगे वुडन ऑर्नामेंट्स की, तो वुडन ऑर्नामेंट आपको इसकी विंडो पे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जो इस विंडो की वजह से, इसकी वुडन ऑर्नामेंट्स की वजह से इसके इंटीरियर को और भी ज्यादा क्लासी बनाते हैं। बात करेंगे पावर विंडो कंट्रोलिंग की, तो आप सारी की सारी पावर विंडो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मास्टर ऑपरेटिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, बाकी इंडिविजुअली आप सेपरेटली हर विंडो पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर का ऑप्शन यहाँ मिलता है, तो ये स्टिक मिल जाती है जिसकी वजह से आप इसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं। बाकी क्रोम का डोर हैंडल आपको यहाँ पर भी नजर आता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ड्राइवर को ड्राइवर की सीट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बेहतरीन सी दिखने वाली ड्राइवर को ड्राइवर की सीट मिलती है, और इसके हेडरेस्ट की साइज़ की मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी बड़ा साइड मैसिव आपको मिलता है, काफ़ी अच्छे से कंफर्ट एरिया आपको प्रोवाइड कराता है इसके अंदर, और काफ़ी अच्छे से ये कवर कर लेता है। विंग सपोर्ट की अगर बात करूँ तो काफ़ी क्लीन विंग सपोर्ट आपको मिल जाती है। बाकी सीट कवर ये मारुति जेन्युइन एसएससीज के अंदर आपको ऑफर किए जाते हैं। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ में यहाँ पर आपको मिल जाती है, यानी कि आप ड्राइवर सीट को आगे पीछे मूवमेंट दे सकते हैं और हाइट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी कंफर्टेबिलिटी की अगर बात करूँ सीट कवर की, तो काफ़ी अच्छी कंफर्टेबिलिटी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। सबसे अच्छा सवाल काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अर्टिगा के ZXi प्लस में आर्मरेस्ट आता है या नहीं आता है, तो आप देख सकते हैं आर्मरेस्ट आपको ZXi ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट हो जाता है, ZXi प्लस दोनों में आपको ऑफर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी बताना चाहूँगा, अभी ड्राइवर को ड्राइवर की सीट बेल्ट का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब दोनों पैसेंजर इस पे बैठे होते हैं, तभी इसका सायरन भी काम करता है, बाकी पीछे वाली सीट में इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर पैसेंजर बैठे ना बैठे, सीट बेल्ट का बकल में लगा होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों इंटीरियर क्लास के बारे में, तो इंटीरियर आपको ब्लैक टोन एंड बेज कलर एंड मार्बल की जो फिनिशिंग आप देख रहे हैं वुडन ऑर्नामेंट्स के साथ में, वो काफ़ी क्लीन आपको नजर आती है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें म्यूजिक स्टीरियो के कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है म्यूजिक स्टीरियो के कंट्रोल। सुजुकी का लोगो आप यहाँ देख सकते हैं, साथ में इधर साइड में आते हैं तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, CNG के लेवलिंग चेंज करने के लिए बटन मिल जाते हैं, आप CNG के लेवलिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। ESP को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी को आप इसकी ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। साइड में यहाँ हेडलाइट की लेवलिंग आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें खास मिलती हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से, यानी कि स्टीयरिंग की हाइट आपको कितनी रिक्वायरमेंट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले काफ़ी यूनिक है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको अवेलेबल कराता है, जिसके अंदर आपका पूरा इंस्ट्रूमेंटल पैनल जो है और वो पूरी इन्फॉर्मेशन तो आती है, साथ में दरवाजे अगर खुले हैं वो भी दिखते हैं, आपका पार्किंग सेंसर ऑन है वो भी आपको विजिबल होता है, बूट स्पेस खुला है तो वो भी आपको इंडिकेट यहाँ पे डिजिटली शो कर देता है। बाकी CNG और पेट्रोल की जो लेवलिंग है वो भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है, अभी जैसे कि ये बोल रही है कि गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी रनिंग आप टाइम देख सकते हैं, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पास ऑन किया जाता है, और पूरी CNG कितनी बची है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पास ऑन हो जाती है डिजिटली। हालांकि इसकी फ्यूल लेवलिंग आपको माइलेज की CNG माइलेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है, बाकी पेट्रोल और CNG की जो लेवलिंग है वो आपको इसके अंदर ही मिल जाती है, लेफ्ट एंड राइट में दोनों तरफ, एक तरफ आपको CNG मिलती है आपके लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड साइड पे आपको पेट्रोल की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। बाकी दोस्तों मारुति के अंदर और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे माताजी का ये आप एक मंदिर देख रहे हैं छोटा सा, तो ये भी मारुति जेन्युइन एसएससीज का पार्ट है। बाकी परफ्यूम प्रीमियम परफ्यूम आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी अरीना का, ये प्रीमियम परफ्यूम जो मारुति जेन्युइन एसएससीज में आपको ऑफर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्टीयरिंग पे मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर लेदर वेप स्टीयरिंग आपको देखने के लिए मिलता है, जो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेचिंग धागे के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर किया जाता है, जिसकी स्टिचिंग की फिनिशिंग काफी बेहतरीन आपको मिलती है, और ये मारुति की किसी भी कार में आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं या लगवा सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। बाकी दोस्तों यहाँ पर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के कुछ कंट्रोल्स, म्यूजिक के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, वॉइस कमांड आपको यहाँ मिल जाती है, कॉल ड्रॉप एंड पिक की फैसिलिटी यहाँ मिल जाती है, म्यूट एंड म्यूट के फंक्शन आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वुडन ऑर्नामेंट आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है और पूरी विंडो पे घूम जाता है, पूरे दरवाजे पे पूरे डैशबोर्ड पे आपको नजर आता है फ्रंट साइड में। नीचे की तरफ ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, जिसको कंट्रोल करना बहुत ईजी टू यूज़ है, आप बहुत आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB सॉकेट मिल जाता है, दो कप होल्डर यहाँ पर आपको नजर आते हैं जिनमें आप कूल फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको ऑन ऑफ करने के बाद। तो गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स एडवांस मिलते हैं और मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको यहाँ मिलता है, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक ही कमी मिलती है, इसके अंदर आपको कैमरे का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है।
मारुति की तरफ से अगर मैं रिकमेंडेशन करूं तो ZXI Ertiga के अंदर कैमरे का ऑफर अगर किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी ये म्यूजिक स्टोरी स्टूडियो की बात करूं, इंफॉर्मेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको आईफोन कनेक्टिविटी, एप्पल कारप्ले, ऑटो एंड्रॉइड जैसे एडवांस टेलीमेटिक सॉल्यूशन मिल जाता है प्लग इन के थ्रू। बाकी इसके अंदर आप नॉर्मली ब्लूटूथ, USB, ऑक्सिलरी, FM इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें कैमरे का प्रोविजन भी है, आप अगर एड ऑन कराना चाहते हैं मारुति जेन्युइन एसेसरीज के अंदर तो आप इस मॉडल के अंदर कैमरा भी एड ऑन करा सकते हैं जो आपकी चॉइस पे आपको इजीली अवेलेबल होता है। बाकी दोस्तों इस स्टीरियो को चलाने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो भी फोन आप यूज करते हैं आईफोन या जो भी एंड्रॉइड फोन आप इस्तेमाल करते हैं उसमें ओरिजिनल केबल जो बॉक्स के साथ आती है उसका इस्तेमाल करके ही एक्सेस करें, तभी आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ऑटो एंड्रॉइड या आईफोन कनेक्टिविटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैट देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैट का इस्तेमाल किया गया है जो 3D मैट आपकी लगी है और क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव है, आपको पैसे देने में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। बाकी ब्लू कलर की जो लाइट देख रहे हैं सिर्फ मात्र 550 रुपये की मारुति जेन्युइन एसेसरीज में अवेलेबल हो जाती है जो मैं रिकमेंड करता हूँ आप किसी भी कार के अंदर एड ऑन करा सकते हैं और इसको लगाने के लिए कोई भी काटा पीटी किसी तरीके की मारुति की एसेसरीज के अंदर नहीं की जाती है। इसके अलावा ग्लोव बॉक्स के अंदर छोटा मोटा जगह आपको मिल जाती है जिसमें आप अपना कोई भी चॉइस का सामान इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक वैनिटी मिरर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है जो को पैसेंजर को ड्राइवर का जो वैनिटी मिरर सनवाइजर है उस पर ही ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। केबन के अंदर एक लाइट आपको यहाँ पर मिलती है, एक पीछे वाले केबन के अंदर लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। बैक व्यू मिरर आपको सिंपल मिलता है जिसमें सिर्फ डे नाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दूसरी तरफ के अंदर सनवाइजर पे सिर्फ सिंपल आपको टिकट होल्डर का ही ऑप्शन अवेलेबल होता है। बाकी दोस्तों बात करते हैं इंजन के बारे में तो इंजन मारुति का सबसे सक्सेसफुल इंजन माना जाता है क्योंकि मारुति पिछले 10 से 12 साल से CNG कार की मैन्युफैक्चरिंग करता है और सबसे यूनिक टेक्नोलॉजी आपको मारुति के साथ देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले दिखाते हैं कि CNG रिफिलिंग कैसे होती है। तो मारुति की CNG रिफिलिंग कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल आपका जो फ्यूल जहां से आप फ्यूल फिल कराते हैं सिर्फ वहीं पे आपको फ्यूल के साथ में CNG का ऑप्शन और पेट्रोल का ऑप्शन दोनों एक साथ मिल जाता है। और सबसे अच्छी खास बात है कि ये जो मारुति की जितनी भी कार हैं वो अब E20 फ्यूल को भी सपोर्ट करती है, यानी कि BS6 फेज 2 वर्जन के साथ ही ये कारें अब आपको अवेलेबल होती हैं। बाकी CNG जो लगी है उसकी इंस्टॉलेशन की आपको डिटेल मिल जाती है कि कब ये इंस्टॉल की गई है, कब लगी है और आपको रीशेड्यूल कब कराना है इसका। बाकी दोस्तों बात करेंगे इसके इंजन के बारे में तो मारुति का सबसे सक्सेसफुल 1.5 cc का इंजन यहाँ ये कार ऑफर करती है, 1.5 cc का इंजन ये कार ऑफर करती है जिसके अंदर मैं माइलेज की अगर बात करूँ तो पेट्रोल के अंदर ये कार लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज क्लेम करती है, वहीं अगर CNG पे बात करूँ तो 26.11 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये कार क्लेम करती है। बाकी CNG की इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक तरीके से की जाती है, आप पेट्रोल कार के अंदर CNG कैसे लगी है वो बिल्कुल ईजिली आप एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी काटा पीटी किसी तरीके की यहाँ पर मारुति के अंदर CNG कार में लगाने में नहीं की जाती है। बाकी ये 1.5 cc का मारुति का सबसे सक्सेसफुल इंजन है जो ब्रीजा के साथ में आपको अवेलेबल होता है, ग्रैंड विटारा के साथ में अवेलेबल होता है, सियाज एंड आपका एस क्रॉस अभी जो हाल में नहीं आती है उसके अंदर भी यही इंजन आपको अवेलेबल किया जाता है। बाकी डबल ECM के साथ में ज़्यादा सिक्योरनेस बढ़ जाती है क्योंकि CNG पेट्रोल कब चाहिए वो पूरा का पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाता है और सबसे सेफेस्ट बात होती है कि गाड़ी में एक माइनर सी अगर लीकनेस भी लगती है तो सेफ्टी पॉइंट से वो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके गाड़ी को शट डाउन मोड पर शिफ्ट कर जाता है तो आपकी जो बर्निंग की चांसेस हैं वो सबसे कम हो जाते हैं मारुति की कार्स के अंदर। बाकी दोस्तों 1.5 cc का इंजन है, अगर मैं बात करूँ उसके माइलेज पेट्रोल की माफ़ी चाहूँगा माइलेज मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी पावर की जब बात करूँ तो 75.8 किलोवाट की पावर ये कार जनरेट करती है 6000 RPM पे पेट्रोल कंडीशन पे, वहीं अगर बात करूँ इसके पावर की तो 64.0 किलोवाट की पावर जनरेट करती है 5500 RPM पे जब आप CNG पे इस कार को चलाते हैं। बाकी टोक की अगर बात करें तो 136.8 Nm का टोक जनरेट करती है 4400 RPM पे, वहीं CNG पर अगर इस कार को आप ड्राइव करते हैं तो 121.5 Nm का टोक जनरेट करती है ये आपको 4200 RPM पे। बाकी दोस्तों CNG की बात करूँ तो सबसे सक्सेसफुल CNG इंजन आपको मारुति में अवेलेबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल ECM का इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा सेफेस्ट CNG कार्स आपको बनाई जाती हैं। बाकी दोस्तों बात करते हैं कार की सेफ्टी के बारे में तो सेफ्टी पॉइंट से बात करें तो मारुति का ये सुजुकी टेक प्लेटफॉर्म पर बनी हुई बेस कार है जिसके अंदर नॉर्मल स्टील से काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्टील का इस्तेमाल किया जाता है और गाड़ी के अंदर आपको डुअल एयरबैग, ABS, EBD, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, ESP, ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। और गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों नए मानकों के हिसाब से ये कार BS6 फेज 2 के इंजन के साथ कंप्लाइंट के साथ ही अवेलेबल होती है और इवन आपके पीछे वाले जो पैसेंजर बैठेंगे उनके लिए भी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है, वहां पर भी आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर्स ऑफर किए जाते हैं।
बाकी दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बाकी दोस्तों अर्टिगा के ZXi प्लस वेरियंट के अंदर आपको ब्लैक कलर ऑफर किया जाता है, बाकी LXi VXi में ये दोनों में आपको ऑफर नहीं किया जाता। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ आप दो ही वेरियंट के अंदर ब्लैक कलर को ले सकते हैं, ZXi पेट्रोल, ZXi प्लस पेट्रोल या ZXi CNG, ZXi CNG के अंदर ही आपको ये देखने के लिए मिलता है। बाकी दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आप अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपडेट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि ये सब आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ही बने हैं और दोस्तों इनके लिए आप पैसे भी खर्च करते हैं। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको गाड़ी के अंदर डुअल ए बैग, ABS, CBD, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे सेफ्टी के सारे पैरामीटर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किए गए हैं वो सारे आपको यहाँ पर प्रीलोडेड अवेलेबल होते हैं। इवन आपको पीछे वाली सीट में भी सीट बेल्ट रिमाइंडर्स प्रीलोडेड अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। होंडा की कोई भी कार की रिक्वायरमेंट अगर आपको लगती है तो होंडा का स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पर कॉल करके आप होंडा की किसी भी कार के लिए बेस्ट डील बेस्ट सर्विस ले सकते हैं। बाकी दोस्तों जल्दी मिलते रहेंगे अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि ये सब आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ही बने हैं और इनके लिए दोस्तों आप पैसे भी खर्च करते हैं। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।